अरे वाह यार, सुबह हो गई। वैसे कुछ भी कहो गाइस, रात तो काफी अच्छी नींद आई भाई। एक भी मच्छर ने मेरे को काटा नहीं है। वैसे सिंचन की सो रहा अभी तक। ओए सिंचन के बच्चे, उठ के जा भाई, फटाफट से दूध लेके। और सिंचन, तुझे पता है ना, घर का भाई थोड़ा बहुत राशन खत्म हो रहा है, वो भी लेके आइयो। अरे मैनेजर, अरे फ्रेंगिल भी हमेशा मुझे ही भेजते हो, आज देखना तुम ही जाओगे। मैं तो नहीं जाने वाला सिंचन। आज मेरा मन करा है कि सिंचन भाई सुबह के 10 बजे तक भाई मैं सोता रहूं। अरे यार वो दोपहर के होते। अब सिंचन जो भी हो भाई तू जाके लेके आ, मैं तो सुबह के 10 बजे तक भाई आज सोने वाला हूँ। जाना प्लीज सिंचन लेके आ, तो देख लो फ्रेंगल भी अपने लिए बहुत सारी चीज लेके आऊंगा, और साथ ही साथ मैं दुकान से चिंटू के लिए भी बहुत सारी चीज लाऊंगा। ओके ठीक है सिंचन, जो तुझे चाहिए भाई तू लेके आज, और बोल दोगे मेरे खाते में लिख देगा वो पैसे, ठीक है। अरे वाह गाइस, अब आएगा ना मजा। अब देखना गाइस चिंटू के लिए और अपने लिए यार कितनी सारी शॉपिंग करता हूँ। गाइस देखना यार, 5-6 हज़ार रुपए का तो सामान खरीद ही लूंगा अपने अपने खाने पीने का। बस फ्रेंगल भी आने सुनना लिया। बढ़िया गाइस, आज का मौसम कितना मस्त लग रहा है यार सुबह सुबह का। लेकिन गाइस आज यार हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, ऐसा लगता है गाइस जैसी धूप निकलेगी ना भाई बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी लॉस एंजेलिस के अंदर। चलो छोड़ो, लेकिन यार मैं जाऊं कैसे, एक काम करता हूं फ्रेंगल भैया की बाइक को ले जाता हूं। हमेशा गाइस मैं ना पैदल जाता हूं और लोगों से लिफ्ट लेके जाता हूं, लेकिन ये सुबह सुबह क्या कर रहा है। ओए बेवकूफ, क्या कर रहा है तू। अरे चाचू योगा कर रहा हूं, योगा। अरे तू कब से इतना समझदार हो गया भाई, फ्रेंगल भैया योगा नहीं करते तो भाई तू योगा क्यों कर रहा है। अरे पापा जी तो पागल है, लेकिन मैं पागल नहीं, मैं फिट रहना चाहता हूं। अच्छा यार चिंटू में तो गाइस काफी ज्यादा समझदारी आ गई, मैं तो सोचता था यार ये तो बेवकूफ है, लेकिन गाइस ये तो सुबह सुबह उठ के योगा कर रहा है, हमसे भी पहले उठ गया ये तो। और गाइस आपको पता है कल ना गाइस स्कूल में हमारी पेरेंट्स मीटिंग थी, और गाइज उसमें गाइज हमारा जब टेस्ट हुआ ना वो बताया गया, मेरे तो गाइज 20 में से यार 8 नंबर आए थे। और गाइज आपको पता है चिंटू के कितने नंबर आए, 20 में से यार 19 नंबर आए थे टेस्ट में। तो गाइज फ्रेंकिल भैया ने यार चिंटू को एक टाई वाली कार दिला दी, लेकिन मेरे को नहीं दिलाई क्योंकि गाइज मेरे नंबर बहुत ज्यादा कम आए थे ना। और आपको पता है वो चिंटू की कार मैंने तोड़ भी दी। हाँ नहीं तो अगर फ्रेंकिल भैया को दिलानी चाहिए थी तो यार दोनों को दिलानी चाहिए थी ना। और यार दुकान यहीं कहीं पे तो थी। अरे बाबरे यार मैं डेली आता हूँ और फिर भी गाइज भूल जाता हूँ दुकान को। चलो गाइज पहुंच गया यार दुकान पे। ये रही गाइज हमारे लॉस सेंटर्स की काफी पॉपुलर शॉप, हमारी गली वाले गाइस जितने भी लोग हैं ना सारे के सारे इसी दुकान पे आते हैं और जो कुछ भी चाहिए होता है ना इसी दुकान से खरीदते हैं। चल के गाइस मैं भी खरीद लेता हूँ फटाफट से। अंकल जी आज देखना तुम्हारी दुकान से बहुत सारे सामान खरीदूंगा। अरे बच्चे बहुत सारा, हमेशा तो तू सिर्फ और सिर्फ 4 दूध की थैली लेके जाता है, आज भी लगता है 4 ही दूध की थैली लेके जाएगा। अरे पूरी दुकान खाली कर दूंगा खाली। अच्छा ऐसी बात है, अब तुम फटाफट से बिस्कुट के पैकेट निकाल दो, साथ साथ में कोल्ड ड्रिंक निकाल दो और कुकीज निकाल दो। अरे ठीक है थम जा थम जा, अरे आराम से बता क्या चाहिए। अरे तुम छोड़ो मैं बस खुद ही जाके लेके आता हूँ। या लेके आ जो जो तुझे चाहिए दुकान में से उठा के लिया। चलो फाइनली गाइस अभी मैंने अपनी शॉपिंग तो कर ली। और अंकल यार फ्रेंगल भैया के खाते में लिख देना पैसे। अरे रुक जा, खाते में हमेशा लिखवाता है। अरे आज से ज्यादा शॉपिंग कर ली गाइस मस्त करके। यार ये जो ब्रीफकेस मेरे हाथ में देख रहे हो, इसमें बहुत सारा सामान है खाने पीने का, जाता हूं और फटाफट से चिंटू और मैं पार्टी करेंगे। और गाइस आज तो मैंने सिर्फ और सिर्फ दूध की 2 थैली खरीदी, बाकी सारा सामान ही खरीद लिया। अरे चल जा बाइक यार, बड़ी नखरी दिखाती है यार ये फ्रेंगल भैया की बाइक। हट जा अंकल, इनको क्या हो गया। अरे मैंने तो हटने को बोला था, भागने को थोड़ा भोगा था। अंकल भी यार कितने डरते हैं आजकल की। चलो यार गाइस मैं भी उठ ही जाता हूँ, क्या यार 10 बजे तक सोता रहूंगा। वैसे भी अब तो गाइस मेरे को नींद भी नहीं आ रही। और हाँ गाइस यार आज तो मेरे को जस्ट ये जो मेरे सामने यार छोटी सी पहाड़ी है ना, यहाँ पर गाइस 2-3 यार पेड़ लगाने हैं, क्योंकि गाइस अगर हम अपने लॉस एंटोस में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे ना तो गाइस हरियाली भी रहेगी और साथ ही साथ में गाइस अपने घर में यार छाएं भी आएगी। और पेड़ लगाना गाइस बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, इसलिए गाइस मैं जस्ट स्विमिंग पूल के बगल में यहाँ पर गाइस 2-3 आज पेड़ लगाने वाला हूँ भाई। और आज तो सच में यार मजे ही आ गए। मैं और पापा जी आए थे इस रेस्टोरेंट में, हमने पेट भर के खाना खाया वो भी सुबह सुबह। मैं पापा जी से पूरे के पूरे 3 महीने से कह रहा था पापा जी खिला दो कुछ तो खिला दो रेस्टोरेंट से, और आज फाइनली पापा जी और मैं आए और हमने पेट भर के खाना खाया। लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूँ, जितना भी खाना खाया उस खाने को हजम कर लूँ थोड़ा सा। पापा जी तो वहां पर बैठे हैं और पैसे वैसे का हिसाब किताब कर रहे हैं, और ये चेक करो ये पता नहीं कौन अमीर बंदा है यहाँ पर। लेकिन मेरे पापा जी की भी गाड़ी कम नहीं है, मेरे पापा जी ने भी एकदम ओपी वाली गाड़ी खरीदी है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये रही मेरे पापा जी की चमचमाती हुई 1 नंबर ओपी सुपर कार। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, पापा जी ने अपनी सुपर कार यार मेरे को कभी दिखाते नहीं है चलन को, और आज पापा जी का ध्यान है नहीं। तो एक काम करता हूँ, आज इस सुपर कार को मैं चला कर ही रहूंगा। मेरे ख्याल से ये ना स्पोर्ट कार है यार, सुपर कार नहीं है। लेकिन यार जो कोई सी भी कार हो लगती तो काफी मस्त है दिखने में। आज इसे मैं भगाऊंगा पूरी की पूरी 100 की स्पीड पर। और बाप रे ये तो बहुत गलत हो गया यार, आज तो पापा जी यार खाली उधेड़ देंगे। मैंने पापा जी की गाड़ी पर स्क्रैच मार दिया, अब क्या करूं क्या करूं, मेरे तो पैर हाथ दोनों के दोनों कांप रहे हैं। मुझे लगा था आज मैं पापा जी के हाथों से पिटूंगा नहीं, लेकिन आज तो पापा जी के हाथों से मैं सबसे ज्यादा पिटने वाला हूँ। आज तक मैं जितना भी पिटा हूँ ना उससे ज्यादा ही पिटूंगा। अब क्या करूं मेरे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। काम करता हूँ, चुपचाप से जाके रेस्टोरेंट में चले जाता हूँ, ताकि पापा जी को पता न लगे कि ये गाड़ी मैंने ठोकी है। पापा जी को लगेगा किसी और ने ठोक दी। हाँ ये सही आइडिया है, मेरी खोपड़ी भी काफी मस्त ही चलती है। अरे पापा जी कहो, अरे नहीं मेरे को धीरे धीरे जाना चाहिए। चलो पूरे का पूरा आधा घंटा बीत चुका है और मैंने गली के बाहर बहुत ज्यादा जॉगिंग करी, मतलब रेस्टोरेंट के बाहर। लेकिन लिटिल सिंगम कांप क्यों रहा है बेटा, ठंडे थोड़ी ना है जो तू इतना कांप रहा है। अब चलते हैं। मेरी गाड़ी पर स्क्रैच, अरे मेरी गाड़ी पर स्क्रैच कहां से
आ गया, ये तुम्हें अभी अभी नई खरीद के लाया था लिटिल सिंघम, लगता है तू मेरे हाथ से आज बचे करी। ये ले। अरे पापा जी क्या हो गया, मेरे को क्यों मारा, मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मारा तूने, कमबख्त ये ले तुझे पता है ये कितनी महंगी है। अरे पर पापा जी मैंने तो गाड़ी पर कोई स्क्रैच मारा ही नहीं, मैंने तो पापा जी गाड़ी में बैठा भी नहीं हूँ। गाड़ी में नहीं बैठा तो तू क्या कहना चाहता है, किसी और ने स्क्रैच मार दिया? हाँ पापा जी किसी और ने मार दिया। नहीं नहीं नहीं, कोई और मार ही नहीं सकता, तुझे पता है खौफ चलता है मेरा, खौफ लॉस एंटोस के अंदर, कोई मेरी गाड़ी को टच भी नहीं कर सकता। और तू एक ऐसा इंसान है जो मेरी गाड़ी पर स्क्रैच मार सकता है, मुझे पता है तेरे सिवा और कोई इस पे मार ही नहीं सकता। पापा जी सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा। पापा जी आप तो बेफालतू मारो ना, लाइक कहीं का घर आइयो, अभी यहाँ के सीसीटीवी कैमरा चेक कराऊंगा, उसमें पता लगेगा कि आखिरकार मेरी गाड़ी पर किसने स्क्रैच मारा है। और अगर मैंने सीसीटीवी कैमरा में देख लिया कि स्क्रैच लिटिल सिंघम नहीं मारा इस गाड़ी पे, तो लिटिल सिंघम को मैं छोड़ देने वाला। अब चलता हूँ घर पे, आएगा अकेला पैदल पैदल। अबे यार अभी पापा जी मेरे को यहाँ पर जब मार रहे थे, यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि मेरे पे हंस रहे थे। हाँ भाई हंसोगे? अबे बच्चे पिट्टू, अबे ये ले पिट्टू बोलेगा, रैपटे में ना तेरी गुद्दी लाल कर दूंगा, भाग ले ये तो बहुत मारेगा हमको, भाग जाओ यहाँ से। हाँ तो मेरे ऊपर हंसेंगे, ये मजे से बैठ के खाना पीना खाने की तैयारी कर रहे थे, मैंने भगा दिया लोगों को डरा के। हाँ तो मेरे ऊपर हंस रहे थे, चलो चलता हूँ फटाफट से घूमते हुए। मुझे लगा था पापा जी बहुत मारेंगे, लेकिन पापा ने तो दो चार रैपटे मार के छोड़ दिया। ला 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 आज का दिन कितना अच्छा है यार। अरे गाइस यार जब भी यार मैं टीवी देखने लगता हूँ, जब भी लाइट क्यों जाती है, मेरा तो गाइस पूरे का पूरा दिमाग ही खराब हो गया। आराम से बैठ के मैं टीवी देख रहा था, एकदम से लाइट कट गई, अब मैं क्या करूँ यार, मेरे तो समझ भी नहीं आ रहा। और गाइस धूप भी बहुत तेज निकले, लेकिन फ्रैंकल भैया वहाँ गर्मी में क्या कर रहे हैं? फ्रैंकल भैया क्या कर रहे हो यार, इस टाइम तो तुम्हें स्विमिंग पूल में नहाना चाहिए। अबे सिंचन इतना मैं तेरे को कमाल की चीज दिखाऊं, इसे देखो गाइस, सुबह सुबह तो योगा कर रहा था और अब कितने मजे से सो रहा है यहाँ पर बेड में गर्मी में। अबे पंखा चला ले, लेकिन यार हमारे घर में तो पंखा ही नहीं है, वो चलाएगा कहाँ से? आज फ्रैंकल भैया से बोलता हूँ कि घर के लिए यार एक नया एसी लिया है। अरे फ्रैंकल भैया यार एसी लिया हो? एसी से याद आया, ये क्या है यहाँ पर? अबे सिंचन ये देख भाई, अभी यहाँ पर सिंचन में गड्ढा करा था, गड्ढा करते समय सिंचन यहाँ पर मेरे को एक टॉय मिला, पता नहीं सिंचन किसने यहाँ पर भाई गाड़ रखा था जमीन में। अरे वाह ये कितना प्यारा लग रहा है, जा सिंचन ले जा इसको और मजे से तू खेल। अरे पर तुम क्या कर रहे हो? चलो तुम जो करना है करते रहो, और अगर जमीन के अंदर से और भी टॉय निकले ना मुझे बता देना, ठीक है? मैं जा रहा हूँ इसको लेके। ले जा सिंचन ले जा, तेरे तो मजे आ गए हैं, तेरे को तो एक टॉय मिल गया। अरे जल्दी ले जाना पड़ेगा गाइस, अगर चिंटू को पता लगा ना कि गाइस जमीन के अंदर से ये टॉय निकला है तो पक्का गाइस वो ना छीन लेगा। और फ्रैंकल भी अभी फिर यार चिंटू को दिला देंगे, काम करता हूँ इसको ले जाता हूँ गाइस सामने वाली पहाड़ी पे और वहां पर जाके छुपका देता हूँ, और फिर कल इसको ले जाके खेलूंगा अपने दोस्त के साथ। वाह यार क्या दिमाग चलता है मेरा, एक काम करता हूँ गाइस पैदल पैदल निकल लेता हूँ, अगर मैं बाइक लेके गया ना तो फ्रैंकल भैया को पता लग जाएगा ये टॉय मैंने ऊपर छुपा है। अभी देखना फ्रैंकल भैया चिंटू को जरूर बताएंगे कि यार जमीन के अंदर से ये टॉय निकला है, तो देखना फिर फ्रैंकल भैया बोलेंगे कि यार चिंटू को दे दे वो टॉय, इसलिए गाइस यहाँ पर छुपाऊंगा मस्त करके, यहाँ रख दूं क्या? हाँ ये जगह एकदम सेफ है। ये क्या हुआ? अरे यार मैंने वो रखा और उसके अंदर से आग निकल ली है। अरे यार गाइस इसके अंदर से आग के साथ साथ यार स्मोक भी निकल रहा है, जल्दी जाके गाइस फ्रैंकल भैया को बताना होगा ये भाई कैसा टॉय है। और फ्रैंकल भैया ने बोला ये जमीन के अंदर था, गाइस मुझे लग रहा है यार पक्का इसके अंदर कोई भूत है। अरे फ्रैंकल भैया कहाँ हो? अबे 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 ये तो सिंचन की आवाज है, लेकिन सिंचन को क्या हो गया भाई? वो फ्रैंकलिन भैया क्यों चिल्ला रहा है? ओए सिंचन के बच्चे कहाँ है भाई, क्या हो गया तेरे को? अरे जल्दी आओ जल्दी, फ्रैंकल भैया तुम्हें पता है जो तुमने मेरे को टॉय दिया फ्रैंकल भैया उसके अंदर भूत है यार, सामने वाली पहाड़ी पर चलो। मैंने उसको जैसे वहां पर रखा उसके अंदर भूत निकलने लग गया। अबे सिंचन कैसी बात कर रहा है, दिन में कहां तेरे को भूत दिखे? अरे वो भूत नहीं है, वो स्मोक निकल रहा है उसके अंदर से और साथ के साथ आग भी निकल रही है। अबे सिंचन क्या बोला है, वो छोटा सा तो टॉय है भाई, उसके अंदर से ऐसा कैसे हो सकता है? लेट्स गो गाइस, मैं भी तो चल के देखूं भाई आखिरकार हो क्या रहा है सामने वाली पहाड़ी पर। आजा सिंचन फटाफट से, वरना तेरे को छोड़ के चले जाऊंगा। अरे जल्दी बिठाओ मेरे को, मेरे तो फ्रैंकल भैया हाथ और पैर दोनों के दोनों कांप रहे हैं, लेकिन मेरा ये समझ नहीं आ रहा तो उस टॉय को लेके भाई यहां पर आया क्यों? लेकिन वेट यार ये क्या हो रहा है? अरे देखो ये देखो ये देखो, ओए रुक सिंचन, स्मोक तो दिख रहा है मेरे को लेकिन साथ साथ में यहां पर कोई और भी दिख रहा है। ओए ये कौन है सिंचन? मुझे नहीं पता ये कौन है, यहां तो मेरे को बस स्मोक दिखा था। अरे लगता है पूरी है वो जिसने मुझे पूरे के पूरे 100 साल बाद मुक्त करा है, 100 साल से मैं उस जमीन में था। अरे ओ भाई क्या बोल रहे है तू, क्या जमीन में था? बच्चे मैं वो टॉय हूँ जिसको तूने जमीन में से बाहर निकाला है, 100 साल पहले मेरे दादाजी ने मेरे को बच्चे उसमें टॉय में कन्वर्ट करके जमीन में गाड़ दिया था, और बच्चे आज तूने मुझे बाहर निकाला। दादी जी ने बोला था जो भी तुझे बाहर निकालेगा वो एक अच्छा इंसान होगा, इसका मतलब तू अच्छा मंत्र है, ये ले छु मंत्र। ओ बाप रे ये कैसे हो सकता है सिंचन भाई, मैं बिलीव नहीं कर सकता, एक सेकंड के अंदर मेरे कपड़े चेंज हो गए भाई, ये तूने कैसे करा प्लीज मुझे बताना। अरे मुझे लगता है पक्का फ्रैंकल भैया ये ना टॉय के अंदर से ही निकला है, देख रहे हो इसके अंदर क्या पावर है। और भैया ये तुम्हारे अंदर गन कैसी है, प्लीज एक बार चलाने को दिखा दो। अरे नहीं 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 ये गन मैं किसी को नहीं दिखा सकता, ये ही तो मेरी पावर है। अब मैं काम करता हूँ, मैं जा रहा हूँ उड़के। क्या कह रहा है, उड़ के जा रहा हूँ? लेकिन कहाँ भाई, प्लीज कहीं मत जा यार, तू हमारे घर में से निकला है तो भाई प्लीज तू हमारे साथ ही रहना। नहीं 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 मैं तुम्हारे साथ रह के क्या करूंगा। अरे अगर तुम
हमारे साथ रहोगे तो यार तुम हमें अमीर बना सकते हो। अच्छा तुम्हें लगता है मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा? लेकिन क्यों बनाऊं मैं तुम्हें अमीर? अरे भाई ये खंबे पे क्या कर रहा है भाई? खंबे के साथ साथ भाई हम सबके घर भी ब्लास्ट हो जाएंगे। गन मत चलाओ, इसके पास तो गाइस काफी यूनिक गन है, इसके अंदर से लेजर निकल लिया है। तो ठीक है अब मैं उड़ने जा रहा हूँ। ये मंत्र छी मंत्र छी 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 मंत्र, मैं उड़ा क्यों नहीं? लो लो उड़ गया उड़ गया। मुझे लगा मेरी पावर काम करनी बंद कर गई। 100 साल बाद हवा में उड़ के कितना अच्छा लग रहा है। क्या करूं, लोगों को अमीर बना दूं क्या? वैसे भी अच्छे लोग हैं, अमीर बना ही देता हूँ। एकदम तिगड़म जादू की मंत्री, वो अमीर बन जाए दोनों बच्ची के मंत्री। सिंचन भाई तुझे अपनी टेरेस पर कुछ नजर आ रहा है? वहाँ पर चेक करियो सिंचन, मेरे को तो हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं, साथ साथ में सिंचन आर्मी के टैंक दिख रहे हैं और फ्रेंगेल बैग गोल्ड भी तो दिख रहे हैं। ओ नहीं भाई ये क्या हो गया? अरे बाप रे उठना पड़ेगा, ये क्या हुआ अचानक से गाइस? मेरे तो समझ भी नहीं आया। और ये बैग, अरे हाँ गाइस ये बैग तो भाई पांडा ने दिया और साथ ही साथ में कपड़े भी। और वेट यार, मेरे घर के बाहर तो गाइस ये कुछ गाड़ियां भी थी, लेकिन ये हो क्या रहा है? मेरे तो सिंचन समझ नहीं आ रहा भाई, मैं उड़ कैसे रहा हूँ? अरे तुम अपने आप से नहीं उड़ रहे? नहीं सिंचन, ऑटोमेटिक सिंचन में उड़ने लग जाता हूँ। लेकिन भाई अरे 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 प्लीज भाई मेरे को नीचे ला दो भाई, कौन कर रहा है ये मेरे साथ ऐसी हरकत? ये लो भाई बड़ी तेज लगी। लेकिन मेरे ख्याल से गाइस ये जो मैं उड़ रहा हूँ ना अपनी वजह से उड़ रहा हूँ, वो जो पांडा था ना गाइस मेरे अंदर जरूर कोई पावर एक्टिवेट करके गया है जिससे गाइस मैं उड़ सकता हूँ। और साथ ही साथ में गाइस वो हमारे घर में यार इतनी सारी गाड़ियां देके गया है, मतलब गाइस टोटली भाई वो अमीर बना के हमको चले गया। अरे हाँ मैं उससे बोल लेता ना यार हमको अमीर बना के जा, तो यार वो हमको अमीर बना के गया है। चलो बढ़िया है गाइस, कम से कम यार अमीर तो हो गए। अब देखियो सिंचन अपने लॉस एंटोस में भाई मैं कितने सारे पेड़ लगाऊंगा। सिंचन मैं ना एक पेड़ लगा रहा था, पेड़ लगाने की बदौलत गाइस हमको इतना कुछ मिल गया, क्योंकि गाइस वो जो टॉय था ना भाई वो टॉय मेरे को जमीन के अंदर से निकला था। अगर गाइस मैं पेड़ ना लगाता तो भाई वो जमीन भी नहीं खोदता और वो टॉय भी भाई जमीन के अंदर से नहीं निकलता। इसलिए गाइस भाई मैं चाह रहा हूँ गाइस अब मेरे पास जितना भी पैसा है उसमें से कुछ पैसे से गाइस मैं पूरे लॉस एंटोस में पेड़ लगाना चालू करूँ। हाँ गाइस ये सही रहेगा। और गाइस अब तो अपने पास वैसे भी काफी सारी गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन गाइस टॉय वाली कार वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही थी। तो एक काम करते हैं अभी चलते हैं टॉय मार्केट और सिंचन और चिंटू के लिए काफी सारी टॉय वाली कार लेके आते हैं। और हाँ गाइस यार अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रेंगिल सिंचन आपके भाई त्यौहार फटाफट गाइस अभी के इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलता है गाइस अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यारा वाला बाय।